शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कल मंगलवार को बड़ा बम फोड़ने का सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 3.5 लोग जेल में होंगे। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब बर्बाद भी हम ही करेंगे। राउत ने आगे कहा कि कल शिवसेना भवन में 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस दौरान शिवसेना के सभी बड़े नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। तीखे तेवरों में संजय राउत ने कहा कि हमाम में सब नंगे होते हैं, नींद उड़ गई है उनकी, जो करना है उखाड़ लीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इससे पहले संजय राउत ने रविवार को कहा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि गोवा खिचड़ी की स्थिति का सामना कर रहा है, लेकिन कांग्रेस को 2012 से सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त हासिल है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है संजय राउत का। मैंने आपको ये बताया है कि कल 4 बजे शिवसेना भवन, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पावर सेंटर, ऊर्जा केंद्र शिवसेना, जहां बालासाहेब ठाकरे बैठते थे और राज्य का काम देखते थे, उस शिवसेना भवन में कल 4 बजे पत्रकार परिषद होगी। मैं तो हूँ का पूरी पार्टी होगी, पूरी पार्टी, नेता होगे, मंत्री होगे, MLA होगे, MPs होगे, बात करेंगे कल, हम पूरा देश सुनेगा, कल मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं, पूरा देश सुनेगा और देखिए क्या होता है, मैं अभी नहीं बताऊँगा। हमने बहुत बर्दाश्त किया है ना, तो बर्बाद भी हम ही करेंगे आपको, बीजेपी के। हमको धमकियाँ देते हैं ना कि अनिल देशमुख जी के कोठड़ी में ये रहेंगे, वो मंत्री जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के 3.5 लोग वही कोठड़ी में रहेंगे। अगर आप चैलेंज करते हो, हमको धमकाते हो, तो 3.5 लोग महाराष्ट्र के वो कोठड़े में रहने का बंदोबस्त हो रहा है, चल रहा है। हमाम में सब नंगे होते हैं, इतना ही मैं कहता हूँ। और बर्दाश्त बहुत किया, बोला ना, अब बर्बाद भी करेंगे। एक मर्यादा होती है राजनीति में, वो मर्यादा आप खो चुके हो। कल आगे की बात मैं कल 4 बजे आप देखिए, कल मैं बात करूँगा, अपने आप हो जाएगा ये सब, सबको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ, नींद उड़ गई है उनकी, सबको मालूम है। ये धमकियाँ हमें मत देना, एजेंसी क्या और केंद्र सरकार की, डरने वाले नहीं हम, और मैं तो कभी नहीं डरूंगा, जो करना कर उखाड़ लीजिए। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।